तो गाइस आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा मैन एंड वुमेन दोनों के लिए फ्री डाइट प्लान फॉर फैट लॉस। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक क्या क्या खा सकते हैं आज मैं इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन दूंगा। और ये डाइट प्लान बहुत इजी एंड प्रैक्टिकल है। अगर गाइस आप इस डाइट प्लान को फॉलो करते हो तो मैं गारंटी देता हूँ आपका वेट बहुत तेजी से कम होगा। सुबह होते ही बिना ब्रश किए सबसे पहले आपको तांबे के बर्तन में रात का रखा हुआ पानी पीना है। बिना ब्रश किए पानी पीने से आपके मुंह की राल भी साथ मिल जाएगी, जिससे आपका डाइजेस्टिव इंजाइम्स जो है वो बहुत हाई हो जाता है। तांबा मीन्स कॉपर को तांबे के बर्तन में रात को रखने से पानी बहुत चार्ज हो जाता है, जो फैट लॉस के लिए और भी इफेक्टिव हो जाता है। सुबह उठते ही आपको 3-4 गिलास पानी पी लेना है, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म अप हो जाए और फैट बर्निंग प्रोसेस जो है वो आपकी फास्ट हो जाए। ब्रश होने के बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप कोई भी एक फ्रूट्स खा सकते हो, एप्पल भी ले सकते हो कोई सा भी। अगर आप केले के ऊपर काली मिर्ची डाल के खाओगे तो गाइज वो आपको फैट लॉस के लिए बहुत हेल्प करेगा। मैं गाइज आप कोई सा भी फ्रूट खा सकते हो जो आपको पसंद हो, उस टाइम आप कोई सा भी फ्रेश होने के बाद खा सकते हो। तो अब बात करते हैं ब्रेकफास्ट की। कोशिश करें आपका ब्रेकफास्ट हाई प्रोटीन रिच हो, क्योंकि प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना बहुत ही मुश्किल होता है, जिससे आपको बाद में भूख नहीं लगेगी। ब्रेकफास्ट में आप ओट्स खा सकते हो, दलिया खा सकते हो और साथ में कोई सब्जी भी खा सकते हो। मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा, आप ब्राउन ब्रेड ना खाएं, क्योंकि ब्राउन ब्रेड में थोड़ा सा मैदा होता है। क्योंकि आपको मैदा से दूर रहना है तो आप ब्राउन ब्रेड कभी कभी खा सकते हो, रेगुलर ना खाएं बिल्कुल भी। ब्रेकफास्ट के एक घंटे बाद, लंच से 40 मिनट पहले आप गाइस कोशिश करें 2 गिलास पानी पीने की, क्योंकि उससे क्या है आपका मेटाबॉलिज्म अप रहेगा। जितना हो सके आप अपने साथ एक पानी की बोतल रखें। आपको ब्रेकफास्ट के बाद और लंच से पहले अगर इस बीच में अगर आपको भूख लगती है तो आप भीगे हुए चने खा सकते हो, या फिर कोई बादाम खा सकते हो भीगे हुए, या फिर आप कोई सा भी फ्रूट खा सकते हो जो आपको अच्छा लगे। तो गाइस मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि आप रिफाइंड शुगर से अवॉइड करें, ये एकदम दुश्मन है फैट लॉस के लिए। तो अब आते हैं अपने लंच पे। तो बेस्ट रहेगा गाइस अगर आप सैलेड या फिर कोई हरी सब्जी खाते हो, उससे क्या होगा आपको फाइबर मिनरल्स और विटामिन्स तो मिलेगा और साथ में आप ओवर हीटिंग से भी बचेंगे। सैलेड खाने के बाद लंच में आप गाइस घर की बनी कोई से भी हरी सब्जी खा सकते हो, तो जैसे कि कोई राजमा छोले, आप कुछ भी खा सकते हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप थोड़ा चिकन भी ले सकते हो, फिश भी ले सकते हो, और जो गाइस वेजिटेरियन है वो लोग थोड़ा पनीर की सब्जी खा सकते हैं और साथ में सोया चंक्स आते हैं उनकी सब्जी बना के भी खा सकते हैं। लंच के बाद आपको एक गिलास छाछ के साथ काली मिर्च डाल के पी लेना है। अगर ये नहीं हो पाए तो गाइस आप दही भी ले सकते हो। लंच के एक घंटे बाद और इवनिंग स्नैक्स से 40 मिनट पहले हो सके 1-2 गिलास पानी आपको पीना है। अब आता है गाइस हमारा इवनिंग स्नैक्स का टाइम, क्योंकि इस टाइम शाम का ये टाइम जो होता है जितने भी लोग होते हैं उनका जो मोटिवेशन होता है वो बहुत डाउन हो जाता है, क्योंकि ये ऐसा प्रोसेस है। इस टाइम हम कुछ सोच नहीं पाते और कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बाहर का खा लेते हैं, जिससे हमारा फैट लॉस नहीं हो पाता है। तो गाइस आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ आपको शाम के टाइम क्या खाना है। अगर गाइस आपको फल पसंद है तो आप कोई से भी फ्रूट्स खा सकते हो, जैसे कि केला हो गया, केला काली मिर्च के साथ खा सकते हो, वो फैट लॉस के लिए सब में बेस्ट है, वो मैंने आपको शुरू में ही बताया था। और आप कोई सेब भी खा सकते हो। अगर ये नहीं हो सके तो आप कोई बिस्कुट भी ले सकते हो और साथ में आप चाय ले सकते हो। चाय आपको शुगर फ्री लेना है, क्योंकि आपको फैट लॉस करना है तो उसके लिए आपको शुगर वाली कोई चीज नहीं खानी है, शुगर अवॉइड करना है जितना हो सके। तो आप ये प्रोसेस आप अपना इवनिंग में कर सकते हो। तो गाइज आप डिनर में वही खा सकते हो जो आपको मैंने लंच में बताया था। अगर आप लंच में 3 रोटी खाते हो तो आप डिनर में 2 रोटी खा सकते हो। आपको लाइट खाना खाना है, कोई हैवी खाना नहीं खाना है। लाइट खाने से क्या आपका प्रोटीन इनटेक जो है वो आपका बढ़ेगा और साथ में आपका फैट लॉस भी होगा। जो सब में इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो डिसाइड करेगा कि आपका फैट लॉस कितने जल्दी होता है, तो वो ये है कि आपका डिनर का टाइमिंग क्या है। अगर आप डिनर अपना लेट करते हो तो गाइज वो खाना लगेगा नहीं, उल्टा सड़ेगा। क्योंकि क्या है, रात को ज़्यादा देर होने के बाद जो सूर्य ढल जाता है तो उससे क्या आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत कम काम करता है। तो अगर आप जितना हो सके आप अपना डिनर गाइज 7-8 के बीच कभी भी कर सकते हो। अगर आप जॉब करने वाले हो तो गाइज आप थोड़ा लेट कर सकते हो, पर डिनर लेट करने के बाद आप थोड़ा वॉक करें, जिससे क्या आपका अच्छे से डाइजेस्ट हो खाना। गाइज आप डिनर करने के बाद रात को सोने से पहले 1 गिलास गुना दूध पी सकते हैं, इससे क्या आपको रात को भूख नहीं लगेगी। तो गाइज ये थी मेरी वीडियो जो मैंने आपको बताया है कि इन सब की हेल्प से आप अपना फैट लॉस बहुत अच्छे से कर पाओगे, वो भी बिना किसी वर्कआउट किए। तो गाइज ये थी मेरी वीडियो, अगर अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।